वेलकम बैक। मैं हूं आज़म फ़ारूक़ी। आपकी स्क्रीन पे जो एक तंदूरी चना चूर का एक पाउच लेबल पैकेजिंग नज़र आ रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं कि बनता कैसे है और मैंने इसको बनाया कैसे है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जाएंगे हम रेक्टेंगल टूल में। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद इसको ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के बाद ये जो लॉक है इसको अनलॉक करना है। उसके बाद यहाँ पर देना 9 एंड यहाँ बदलना 6। ये इसका हमारा साइज़ है। उसका क्या करना है, इसका अगर कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद हम जाएंगे यहाँ से देखिए कंट्रोल टूल में। कंट्रोल टूल जाने के बाद इसको यहाँ से हमें करना है 0.5, ठीक, इंटर। और इसको करना है इनसाइड, ठीक, कंट्रोल के यानी ब्रेक अपार्ट, ठीक। इसका आउटलाइन जो फिल है इसको नन कर देना है। करने के बाद देखिए अब जो हमारा जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर हमें डिज़ाइन करना है। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट लेना है। देख लेता हूँ मैं, यहाँ से 0.025 कर देना, ठीक है, या 0.25 कर देना है। इसके अंदर आ जाएगा एक कंट्रोल के, करना है ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट करने के बाद इसको कर देना है फिल को नन, इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो हमारा जो ये कटआउट एरिया है, ये ऊपर वाला जो है, ये वाला एरिया जो है कटआउट एरिया है, ठीक है। हम इसे वाइट फिल कर देते हैं पहले, तब उसको समझ आए, ठीक है। ये कटआउट एरिया है और ये प्रिंट एरिया, प्रिंट पूरा होगा। उस कट करने के बाद ये आएगा, उसके बाद इसके अंदर जो हमारा डिज़ाइन होगा, ये नीचे वाला जो है फिल करते हैं, इसके अंदर हमारा डिज़ाइन होगा। और ये हमारा पार्ट जो वाइट वाला पार्ट जो खाली रहेगा, ठीक है। ये मुड़ने उड़ने में या फिर पैकेजिंग करने में ये उसके लिए काम आता है, ठीक है। ये हमारा जो रेड एरिया है, जो रेड कर लीजिए या उसको रेड कर देते हैं, रेड एरिया जो है ये हमारा कटिंग में जाएगा, ठीक है। इसमें डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करना है, हमें जाना है यहाँ से गाइडलाइन ले लेते हैं, ठीक है। गाइडलाइन का जैसे हाइट है, इसको एन हाइट करते हैं तो हमारा गाइडलाइन सेट है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस वाले नीचे वाले को कर देंगे डिलीट, और इसके अंदर हमें कर देना है डिज़ाइन करना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको इस फिलहाल रखते हैं। उससे पहले हमें इस वाले पार्ट का पार्टीशन करना है, ठीक है। करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो 8 आ रहा है, 8 की जगह पे कर देंगे ऑब्लिक एंड यहाँ पे कर देंगे 2, ठीक, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आ गया ये। अब इस 2 को जो है हमें फिर यहाँ पे करना ऑब्लिक और इसको भी करना 2, तो ये हमारे पास ये एक बॉक्स आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको उसके टॉप एंड राइट करना है, फिर इसका कॉपी करना है, स्टॉप उसको भी इक्वल और लेफ्ट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। इसको इसके राइट कर देते हैं, फिर कॉपी करते हैं, इसको लेफ्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो है बीच वाला, इसको हटा देते हैं फिलहाल। ये हमें एक और चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे 2 कर देते हैं ताकि बीच वाला हमारा आ जाए। सॉरी, पहले इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद 2 करेंगे, ठीक है। कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद ऑब्लिक एंड 2 करते हैं, जिस तरीके से हमारा एक और ऑब्जेक्ट आ गया। देखिए ये हमारा 3 पार्ट है, ठीक है। इस तीनों पार्ट के अंदर हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट संभला रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये साइड और ये साइड दोनों साइड मिलकर बैक, उसका बैक वाला जो है पार्ट है वो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके एक और, अब इस बाहर वाले का जो है कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको लेकर आएंगे आधे के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हमें कलर फिल कर देना है, ठीक। उसके बाद इसमें जो हमें ये रेड कलर फिल कर देना है, ठीक। इस तरीके से जो हमारा डिज़ाइन का 2 पार्टीशन हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसके अंदर हम डिज़ाइन करते हैं। पहले इस वाले को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, सेंटर वाले में, ठीक है। उसके लिए हम क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा ये बनाना है, जो ये के शाइन होता हुआ नज़र आ रहा है आपको पीछे से, वो डिज़ाइन करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से जाएंगे रेक्टेंगल टूल में। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद इसको हम फिलहाल बाहर ही, इसके अंदर ही हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। इस तरीके से ड्रैग करने के बाद अब जो हमें इसको करना है कंट्रोल क्यू यानी कर्व करना है। कर्व करने के बाद हम जाएंगे यहाँ शिफ्ट टूल में। शेप को देने के बाद इस वाले को सेलेक्ट करना और यहाँ से करना है ऐड नोड। उसके बाद इसको और इसको दोनों नोड को हमें कर देना डिलीट। डिलीट करने के बाद इसके आउटलाइन को कर देना हमें नन, ठीक है। आउटलाइन इसका नन हो गया, इसके अंदर हमें ये कलर कर देना है, ठीक है। कलर करने के बाद हम जाएंगे यहाँ से, फिर देखिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी टूल, इसको यहाँ से कर ट्रांसपेरेंसी कर देंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको 2 बार क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये जो है सेंटर वाला जो हमें इसको लगा यहाँ पर रख देना है, और इसको यहाँ से पकड़ कर, ठीक है, मोस्ट राइट प्रेस करना है। उसको करना है कंट्रोल आर, ये हो गया। आप इसको कर देंगे हम इस तरह ग्रुप, कंट्रोल जी। ग्रुप करने के बाद इसको इसके
सेंटर करना है, सेंटर वाले के, और इसको हल्का सा ऊपर लेके जाना है महाबलेश्वर, इस तरीके से ऊपर ले आते हैं इसको, इसको पहले जो इसके हम टॉप कर लेते हैं ताकि हमारा समझ आए, ठीक है। इसको और ऊपर ले आते हैं कैसा महाबलेश्वर, सॉरी इसको इसे इक्वल करेंगे, हमें लेकर जाना है तो नीचे लेट जाकर हो जाना, ठीक है। ये बाहर का ऑब्जेक्ट चला गया, इसको हम फिर इसको इक्वल कर देते हैं ताकि सेंटर में आ जाए, ठीक है। इसको ध्यान रखा ऊपर इस तरीके से इसके ऊपर लेने के बाद क्या करेंगे, हम इस पर मोस राइट प्रेस करेंगे, ठीक है, और इसको बड़ा कर देते हैं मामूली से, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे दिखा रहा है पावर क्लिप, पावर क्लिप करने को पावर क्लिप इंसर्ट करेंगे, उसको क्लिक कर देंगे, उस तरीके से पावर क्लिप हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या करें, हम लेकर आएंगे भुजे का जो मैंने ऑब्जेक्ट लग रखा है यहाँ पे, शिफ्ट पेजअप करते हैं और इसको लेकर आते हैं नीचे की तरफ, और इसके सेंटर में रखेंगे हम इसको, ठीक है। इसको इसके सेंटर कर देते हैं इस ऑब्जेक्ट के। अब जो हमें इसको इसके सेंटर में रखना है जो डिज़ाइन है हमारा, तो वो इस, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इसके बाहर वाले को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ से सिलेक्ट कंटेंट जो पावर क्लिप हुआ है सिलेक्ट कर देते हैं, इसको और बड़ा कर देते हैं माहौल से, ठीक, इस तरीके से, ताकि ये हमारा जो हमारा भुजिया है वो सेंटर में आए, और ये और ऊपर हो जाएगा, और इसको हमें और ऊपर ले जाना है भुजिया को, ठीक है दोस्तों। ये क्योंकि हम जो है अपना जो हमारा जो मटेरियल होगा इसको हमें इस वाले गाइडलाइन जो है एक गाइड रख देते हैं यहाँ पे, इस वाले गाइडलाइन तक हम अपना मटेरियल ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें इसके सेंटर करना है। अब क्या करना है, हमें ये लिखना है ट्रेंड, ठीक, हम इसको सॉरी तंदूरी लिखना है, टाइप करना है, तो हम तंदूरी टाइप कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे कर लेते हैं टाइप, ठीक है। अब जो हम इसका फॉन्ट जो है वो चेक कर लेते हैं, कौन सा फॉन्ट लगा है मैंने, ये नेचर व्यू, ठीक है, क्लिक करेंगे आप यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट में, यहाँ से कर देंगे नेचर NATU, ठीक, इसे ब्यूटी प्लस पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से, तो ये हमारा फॉन्ट जो आ चुका है, ठीक है। इसको हम इसको इस तरीके बड़ा कर लेते हैं, इसका एक कॉर्नर पकड़ के, अगर हम इसको यहाँ से बड़ा करेंगे तो ये यूँ खींच जाएगा, ठीक है, तो हमें इसको यहाँ से बड़ा करेंगे तो ये यूँ खींच जाएगा, तो हमें क्या करना है, ये चारों कोनों से किसी एक से इसको बड़ा करना है, ठीक है। इसको यहाँ पर लगा रखते हैं इस तरीके से, ऊपर का तो ले आते हैं, इसको सेंटर करते हैं और आका बड़ा करते हैं, इसको हम इसको यहाँ तक बड़ा कर सकते हैं इसके गाइडलाइन तक, ठीक है, और पकड़ते हैं, और यहाँ से इसको जो हमें 5% कर देते हैं रूटेड, ओनली 5%, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इसके अंदर हमें देना है आउटलाइन, ये सेम कलर का जो नीचे कलर है, हम यहाँ से इसका आउटलाइन दे देते हैं। ये हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से F12 में, ठीक है, शॉर्ट कवर बता रहा हूँ, F12 जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे कलर पे, कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए ये आ रहा है कलर आई ड्रॉ पर, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम जाके इस वाले कलर पे कलर क्लिक कर देंगे तो ये सेम कलर ले लेगा, हमें कलर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अब क्या करना है, यहाँ पे सेम कलर आ गया है, अब हमें जो है जाना यहाँ से पॉइंट में, यहाँ पॉइंट करने के बाद इसको यहाँ 16 कर देते हैं, ठीक है, और इसको बिहाइंड पे कर देते हैं, विथ स्केल कर देते हैं, और यहाँ सेंटर जो कॉर्नर को जो है राउंड कॉर्नर कर देते हैं, इसको राउंड कॉर्नर कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके अंदर में सेम फिल करना है, ठीक है, फिल करने के बाद इसका एक बार कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद इसका जो है आउटलाइन जो है हमें जाके यहाँ से फिर अगेन नन कर देना है, यहाँ से जाके इसको यहाँ से नन कर देते हैं आउटलाइन को, ठीक है, नन, ठीक, ओके कर देते हैं। अब जो फिर इसके अंदर हमें ये आउटलाइन देना है, इसके लिए हम क्या करना है, फिर जाएंगे F12 में ही मुझे नन करना चाहिए, यहाँ पे हमें इसका कलर चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ से जाएंगे इसके अंदर फिर कलर में आई ड्रॉ करेंगे, इस ये कलर कलर कर देंगे जो इसका बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको कर देंगे 0.4%, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, ओके कर दें। वो करने के बाद इसके अंदर हम वाइट फिल कर देते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये लुक आ गया, ठीक है, ये लुक आ गया हमारा बन के। इसको हम ग्रुप कर देते हैं Ctrl+G, ठीक, ग्रुप करने के बाद इसको हम और ऊपर लेकर जाएंगे तंदूरी को, चाहे तो और ऊपर ले सकते हैं जब तक कि नीचे वाला नज़र ना आ जाए, ये नीचे जो इसका जो कॉर्नर नज़र पर नज़र ना आए, जब तक इसको ऊपर ले सकते हैं हम, ये हमें छुपाना है इस तरीके, ये, ठीक है,
यहाँ उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके अंदर जो मैंने ये टाइप कर रखा है, टाइप तो आप कर लेंगे, इसको हम सेम उठा रख देता हूँ, ठीक है। शिफ्ट पे जब करेंगे इसको, इसको इसको सेंटर कर देते हैं और इसको और ऊपर लगा जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो मेन डिज़ाइन था वो था जो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब जो है मैंने ये जो है ये नेचर का जो है, नेचुरल का जो है, शिफ्ट पे जब करते हैं इसको, और ऑर्गेनिक नेचर का जो है मैंने इसको इंटरनेट से लोड कर रखा है और इसका जो है ट्रेस कर रखा है, ठीक है। तो ये आप वहाँ से उठा सकते हैं या फिर आप उसको बना भी सकते हैं, ठीक है। उसका क्या करना है, हम यहाँ पे ये आएगा फ्राइड, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, उसको शिफ्ट पे जब करते हैं और इसको इसके सेंटर कर देते हैं। करने के बाद इसको जो है हमें हल्का सा अंदर रखना है, इस तरीके से इसको जो है सेंटर कर देना है, ग्रुप कर देना है और इसको इसके इक्वल कर देना है, ठीक है। आप क्या करना है, हमें इसके अंदर जो एक आउटलाइन डालना नीचे, तो जाएंगे F5 में, ठीक है, F5 के यहाँ जाएँ इसके अंदर टूल्स के अंदर, तो यहाँ पे देखिए आ रहा है फ्री हैंड टूल्स का कमांड है F5, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे कंट्रोल दबा कर इतना खींचेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, बिल्कुल सीधा आएगा। हम यहाँ से इसको 1 पॉइंट कर देते हैं, ठीक है, हल से 1 पॉइंट करना है, 1.5 कर देते हैं इसको, ठीक है। इसके सेंटर करके और उसको ग्रुप कर देते हैं, यानी कंट्रोल जी, ठीक है। इस तरीके से जो मेरा फ्रंट जो है लगभग रेडी हो चुका है, लगभग का रेडी ही हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, हमें इसके अंदर और कैसा और गैप देना है, तो क्या करना है, इसको ग्रुप कर, इसको हल्का सा ऊपर करना है मामूली सा सबको, और इसको जो है हमें और नीचे करना है, क्योंकि हमारा जगह जो है नीचे तक है मीटर का यहाँ तक, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, हमें अब जो हमें ये इस साइड को बनाना है, इस साइड को बनाने के लिए क्या करेंगे हम, बिल्कुल इसको इस तरीके से कर लेंगे ग्रुप, कंट्रोल जी, ग्रुप करने के बाद कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको उठा कर ले करेंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ से लॉक कर देंगे और इसको यहाँ से 50% कर देते हैं, मेरे ख्याल से 50% आ जाए या उसको कम करना पड़ेगा, सेंटर करते हैं, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आ गए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इस तरफ भी जगह और इस तरफ भी जगह, तो हम इसको 50% में रख सकते हैं, यहाँ हल्का सा और कम कर सकते हैं, यहाँ 40 इसको 95% और नीचे कम कर सकते हैं इसके यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। और इसको सेंटर कर देते हैं, सेंटर करने के बाद इसका जो है आउटलाइन जो है हमें कम करना है, इस वाले का हम करेंगे F12, ठीक है, यानी कि यहाँ से इसको 2 पॉइंट कर देंगे, ठीक है, यहाँ भी स्केल करेंगे और इसको कॉर्नर कर देते हैं इस तरीके से, तो ये सही आएगा। और इस वाले का भी हमें आउटलाइन जो है कम करना है, इस वाले को जाएंगे F12 में अगेन, और यहाँ से इसको कर देंगे हम 5 पॉइंट कर देते हैं इसको, ठीक, 5 कम लग रहा है, नहीं 5, ठीक है। अब नीचे वाले को हम कम कर देंगे, इसको भी हमें कर देना है यहाँ से 1.5 कर देते हैं इसको, ठीक, इस तरीके से ये हमारा ये लोगो यहाँ पे आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसको और ऊपर लेके जाना है नॉर्मली से ऊपर, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर वाइट फिल आ गया, वाइट फिल हो चुका है ऑटोमेटिक, उसके बाद इसको ओबला करना है, इसको सेंटर करना है, सेंटर करने के बाद इसका आउटलाइन जो है हमें 0.75 कर देते हैं, ठीक है। 0.75 करने के बाद इसके यहाँ मैंने मीटर टाइप कर रखा है, इसको भी इसको सेंटर कर दें। ये मीटर जो मैंने गूगल से उठा रखा है, कॉपी पेस्ट कर रखा है, क्योंकि मीटर जो आपको डिज़ाइनर जो आपका जो कंपनी जो बनवाएगी वो आपको खुद मीटर देगा क्या टाइप करना है, मैंने ये अभी फिलहाल मैंने गूगल से उठा रखा है, कॉपी पेस्ट कर रखा है, ठीक है, ताकि इसको भरने के लिए ताकि डिज़ाइन अच्छा कर देना। उसको क्या करना है हमें, अब इस ये जो है बैच नंबर PKD MRP ये इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं और इसको इसके सेंटर लिफ्ट कर देते हैं और इसको शिफ्ट पेज अप कर देते हैं, ठीक है, और इसको नीचे ले आते हैं और इसके यहाँ पर आ जाएगा एक बार कोड इस तरीके से, ठीक है। शिफ्ट पेज अप करते हैं इसको और इसको इसके सेंटर कर देते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट है जो हमारा रेडी हो चुका है। अब इस वाले पार्ट को क्या करना है, ये यहाँ पे लगा देना है, और ये चीज़ ये जो मैंने लगा रखा है, ये मैंने कई चीज़ों में लगा रखा है, तो मैंने अपने वीडियो में बता रखा है कि इसको मैंने बनाया कैसे, तो मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको इसका वीडियो जो मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसको कैसा ऊपर करना है हमारे साथ, चाहे तो ये मेरा येलो वाला जो बैकग्राउंड है इसको कैसे और नीचे कर सकते हैं थोड़ा सा मामूली सा अपने हिसाब से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, हमें जाएंगे हम फिर यहाँ पे बाहर वाला जो हमारा बाउंड्री है इसको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने का हम जाएंगे यहाँ से सेलेक्ट कंटेंट में जो पॉलो क्लिप कर रखा है इसको कैसे और हमें नीचे करना है इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे स्पेस हल्का सा मिल गया है, इसको पूरा हमें रेड के अंदर ही रखना है। इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे मैं कुछ अटेंशन के नाम से दे रखा हूँ इस तरीके से, ग्रुप कर लेते हैं इसको भी, ये भी मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है गूगल से, ठीक है।
उसके सेंटर कर देते हैं इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद जो हमें ये रिसाइकल बिन डस्टबिन ये भी मैंने गूगल से ही लेके इसको भी मैंने ट्रेस कर रखा है, क्योंकि गूगल पे सही मिल जाता है। इसको ट्रेस कर दीजिए, आपका ऑफर फाइल होगा, आप इसमें जो है वो मर्जी कलर कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं इसके ब्लैक ही कलर रखूँगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अभी इसे अंदर जो हटा देते हैं, क्योंकि बताना मकसद था आपको, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आ रहा है, तो आपको कुछ समझ आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मिले हो जाए। आपको जो भी कुछ पूछना हो इसमें, कुछ समझ ना आया हो या मेरे बोलने में कुछ मिस्टेक हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।